हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रिजवान हूँ। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कुछ वीडियो बनाने नहीं जा रहे हैं। आज बस हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो है मैं जो मेरे पास जितना भी औजार है, वो ज़्यादा नहीं, जो भी है फैब्रिकेशन का, वो जितना भी औजार है बस इसी औजार से काम करता हूँ। आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास कौन कौन सा औजार है, उससे क्या क्या बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं क्या है मेरे पास औजार। तो आज सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं सकल पत्ती। ये रही हमारी सकल पत्ती। तो ये सकल पत्ती का गोला खोलते हैं, ये रही क्योंकि चाली गोला खोलने वाली, तो इसको हम लगा के ऐसे ऐसे इससे गोला खोलते हैं, ये इसी तरह से इसको गोला खोलते हैं। तो ये रही इसकी चाबी। और जैसे कि सकल पत्ती में हम लोग खांचा काटते हैं मारने के लिए, तो ये रहा वो डाई बना के रखे हैं खांचा काटने के लिए। अब इसको ऐसे रख दिए और यहाँ यहाँ से गिलेंडर से खांचा काट दिए, तो एक जैसा खांचा कटता है। तो ये हो गया मेरा सकल का। और जो हाँ, ये रहे हमारे सरिया, जो सरिया नहीं बाइंड करते हैं, जैसे बद्दी से रस्सी उमठी रहती है उसके लिए, तो उसके लिए हमारे पास ये है डाई। इसको हम एक तरफ ऐसे लगा दिए ये साइड में, और ये साइड में इसको हम लोग बांक में लगा दिए, कहीं बेल्ट कर दिए, और इसको आसानी के साथ इसको ऐड देते हैं। ये हमारी रस्सी सरिया ना एकदम रस्सी के जैसे ऐड जाती है। ये हो गया, ये हो गया। और दूसरा है इस पर जो हम लोग फूल बनाते हैं, मोड़ते हैं अड्डा, ये हो गया। और ये हो गया हमारा सेंटर पंच, जिससे हम लोग चैनल में निशान लगाते हैं। और ये हो गया जिससे हम लोग चैनल गेट काटते हैं, कटिंग करते हैं। जैसे कि यह सीधा वाला है, अगर आप इससे काटोगे तो चैनल पिचक जाता है, तो इसके लिए हम ये इसमें खड्डा है, इसमें चैनल पूरा बैठ जाता है, तो ये चैनल काटने के लिए ये है। और जो शटर में हम लोग दम भरते हैं उसके लिए ये तो सरिया यूज कर रहे हैं, ये है। और यानी कि लोखंड वगैरह काटते हैं तो हम लोग इससे काटते हैं, यहाँ पे कटर मशीन से या ग्रेंडर से ज़्यादा नहीं काटते हैं, हम ज़्यादातर हैमरिंग हाथ से काटते हैं। देखो हम लोग किस तरीके से काटते हैं, लेकिन ये हमारा ये हो गया टाइप, इसको चापन बोलते हैं, इसको चापन बोलते हैं। ये दो तरीके का है हमारे पास, और इसको हथौड़ बोलते हैं। देखिए किस तरीके ये बना हुआ है, हथौड़ बना हुआ है, आसानी से इसके साथ ये बैठ जाता है, पकड़ लिए, तो इसको चापन और हथौड़ बोलते हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से मान के चलिए, हमारी पटिया है, इसको ऐसे रख दिए, ये हो गया। इसके ऊपर से हम लोग ऐसे घन मार दिए, ये पूरा कट गया, ये हो गया। और दूसरी चीज़ ये है हमारी एटनी, इसको बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा काम में आती है। एटनी का मतलब ये है कि जैसे कि हम ग्रिल का फ्रेम बना रहे हैं और पत्ती हमारी ऐड गई, तो ये उसमें काम आती है। देखिए इसको एक तरफ ऐसे लगा दिए और इसको ऐसे ऐड दिए, ये हमारी एटनी के काम आती है सीधा करने के लिए, ये हो गया। और सबसे खास चीज़ ये है, देखिए जैसे कि काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट किया कि भाई आप फूल और डिज़ाइन कैसे बनाते हो, तो डिज़ाइन हम इससे बनाते हैं, ये दो है। और डिज़ाइन इससे इस तरीके से हम लोग बनाते हैं कि जैसे मान के चलिए ये एक सलिया है और अड्डा वहाँ पे लगा हुआ है, आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए। अब जैसे कि मान के चलिए ये लगा दिए और ये अड्डा है, तो इसमें फंसाने के बाद हम लोग ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं इसी को। सबसे अच्छी चीज़ें डिज़ाइन बनाने वाला आप इसको बना सकते हैं, सबसे अच्छी डिज़ाइन ये हो गई। और दूसरी तो ये मेरी समची हो गई, समची से हम लोग काम करते हैं। और काटने के लिए ये निहाई का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं निहाई, और इस पर जो काटते हैं ये चंटी बोलते हैं इसको, ये कमानी की पटिया की बनी हुई चंटी, वो हो गया। और गिलेंडरिंग में कुछ खास नहीं, ये डिवाल्ट का गिलेंडर यूज़ करते हैं जो कि 22 से 25 रुपये का आता है, वो यूज़ करते हैं। और कटर मेरा ये है, क्योंकि ये बॉस का कटर है, 9,500 रुपये दिए थे। और इसका मॉडल प्रोफेशनल है, मॉडल नंबर है GK 200 वो है। और चश्मे में हम लोग इसको यूज़ करते हैं जोड़ने के लिए, ये वेल्डिंग के लिए, देखिए इसमें दिख रहा है, तो इसको हम ये यूज़ करते हैं। और राड की बात आती है तो हम लोग राड यहाँ पे ये वाला यूज़ करते हैं, मंगलम का, मंगलम का राड करते हैं। ये इसकी लेंथ आ गई, और इसका कुछ इसमें दो राड आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका राड का है, तो हम लोग ये वाला राड यूज़ करते हैं, 3.15 × 350 450। तो हम लोग 450 का जो ये है ये यूज़ करते हैं। और ये जो छोटा राड आता है ये देखिए 90 से 130 RPM भी ये चलता है, तो ये यूज़ करते हैं।
और होल्डर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि काफी लोगों ने कमेंट किया, इधर काफी लोगों ने कमेंट किया कि भाई आप होल्डर कौन सा यूज करते हो, मेरे पास होल्डर है वो गर्म हो जा रहा है, वो जल्दी हीट हो जा रहा है। तो वो तो होल्डर के ऊपर आप जैसी क्वालिटी को खरीदोगे, जैसा पैसा लगाओगे वैसा होल्डर मिलेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी यूएसपी केबल है। तो जब भी आप केबल खरीदे तो आप कॉपर की केबल खरीदे, ऐसा दिखाओ कि हमें सामने का हिसाब है, जब भी आप खरीदे तो ऐसा कॉपर की केबल खरीदे। और केबल आपकी होनी चाहिए 30 mm की, 20 mm 25 mm आप कभी केबल ना खरीदे, क्योंकि वो केबल पतली होती है, गर्म बहुत ज्यादा हो सकती है। जितना भी हो सके आप जो है केबल ऊपर खरीदिए, 30 mm 35 mm या 50 mm की केबल, क्योंकि आपका पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन आपकी चीज ज्यादा चलेगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 30 mm की केबल यूज करें। ये हो गया, तो चलिए भाई, ये जितनी भी मेरे पास इधर सीरीज थी उससे हम काम कर रहे हैं, और आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, और आपके पास अगर कोई और भी ऐसा सामान हो काम करने के लिए फैब्रिकेशन में तो कमेंट में प्लीज हमको बताएं। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।